नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी दफ्तर तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण आशा लकड़ा बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और करीब शाम के 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के पर्यवेक्षक जब पहुंचे उस वक्त तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया। विधायकों के भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले, प्रहलाद पटेल की बात कर ले, तमाम विधायक एक एक कर पहुंच रहे हैं और शाम 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण आशा लकड़ा ये तीनों पर्यवेक्षक बनाए गए। देखिए, लंबा मंथन चला दिल्ली में, उसके बाद ये तीनों पर्यवेक्षक बनाए गए। अब पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं भोपाल, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और शाम 4 बजे मीटिंग होनी है। 1-to-1 तमाम विधायकों से चर्चा भी यहां पर की जाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक होने वाली है और तीनों ही पर्यवेक्षक जो हैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। आप न्यूज स्टेट पर ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो है तीनों ही पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं वो पहुंचे हैं और यहां पर जो है काफी ज्यादा हलचले तेज हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है ये जानकारी लेने की कि अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और तीनों पर्यवेक्षक जिसमें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण और जो राष्ट्रीय सचिव है आशा लाकड़ा, वो पहुंचने वाली है इस बैठक में। शामिल होने के पहले तीनों ही पर्यवेक्षक सीएम हाउस पहुंचे थे जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इनकी मुलाकात हुई है और अब थोड़ी ही देर में जो है बैठक जब शुरू होगी उसके पहले विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। विधायकों का पंजीयन होगा। 3:50 से जो है ये बैठक शुरू होने वाली है और काफी ज्यादा हलचले हम देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में शुरू हो गई है। सभी को इंतजार है कि पार्टी आलाकमान का जो मैसेज लेकर के पर्यवेक्षक पहुंचे हैं वो बैठक में दे और जिस भी नाम को लेकर के जो है पार्टी आलाकमान ने तय किया है वो नाम उसे लेकर के सहमति क्या है, विधायकों की राय क्या है, ये चर्चा जो है यहाँ पर की जाएगी। एक लंबा इंतजार जो है हुआ है मध्य प्रदेश में इस बार सीएम के चेहरे को लेकर के। करीब एक सप्ताह का लंबा इंतजार था और जो है आज वो इंतजार शाम को इस बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि पार्टी ने इस बार किस चेहरे पर जो है भरोसा जताया है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है जिस पर बीजेपी खासा फोकस्ड नजर आ रही है। 2019 से भी ज्यादा बड़ी जीत का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है लोकसभा को लेकर के और यही माना जा रहा है कि किसी ऐसे चेहरे पर पार्टी भरोसा जताएगी जो कि अनुभवी तो हो, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के संगठन को साथ में लेकर के चले। प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें जो है पाले में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करती है। आपका नहीं, मुझे क्षमा की। देखिए, तमाम विधायक एक एक कर पहुंच रहे हैं, पर्यवेक्षक भी पहुंच चुके हैं और शाम 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी विधायक दल की, जिसके बाद ये जो लंबा इंतजार था कि आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, संशय के जो बादल थे वो छट जाएंगे और इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। देखिए, नाम कई हैं, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, प्रहलाद पटेल की बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बिल्कुल रेस में नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम 4-5 नाम ऐसे हैं जो कि प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री के और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अंतिम मोहर किसके नाम पर लगती है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से ही सामने आ रही है। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देखिए,
विधायक दल की बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक भी होगी जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक से पहले ये बैठक होने वाली है। नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो जैसा कि पहले ही जानकारी मिल रही थी कि 1 बजे तक तमाम विधायकों को पहुंचना है और कोर ग्रुप की बैठक है। तो कोर ग्रुप की बैठक होगी और कोर ग्रुप की बैठक में फिर भी सर आप किसको चाहते हैं? कोई कमी नहीं। तो बिल्कुल एक एक कर तमाम विधायक अब पहुंच रहे हैं। 1 बजे तक सभी को बीजेपी दफ्तर पहुंचना था और एक एक कर अब संगठन का निर्देश, संगठन की आज्ञा हम सबके लिए सर्वोपरि। फिर भी आप किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? नीचे तो आईडी कर लो। विधायक दल की पहली बैठक है ये, पार्टी के विधायक सब पहुंच रहे हैं, हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा और वहां से जो निर्णय होगा पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। विधायकों पर चुनने को कहा गया तो सर आप संगठन का निर्णय सर्वोपरि। तो बिल्कुल संगठन का निर्णय सर्वोपरि है ये कहते हुए तमाम विधायक नजर आए। वैसे भी विधायकों को प्रोटोकॉल दिया गया है कि आप कोई भी बयानबाजी किसी फेस को लेकर नहीं कर सकते, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। यहां पर तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किस नाम पर मोहर लगी है, लेकिन उससे पहले एक कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है और इस कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर, तीनों पर्यवेक्षक भी इस बैठक में शामिल होने वाले। नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए विधायक दल की बैठक से पहले एक कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें 1-to-1 तमाम नेताओं से चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो लंबा मंथन चला है दिल्ली में, कई नेताओं ने यहां पर कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले, सभी ने यहां पर अमित शाह से मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद एक नाम जरूर तय हुआ होगा और उसी नाम को लेकर ये तीनों पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे हैं। उस नाम को लेकर रायशुमारी की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और फिर एक सिंगल नाम तय किया जाएगा। चलिए सीएम हाउस से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अतुल, अब धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर में तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचने लगे हैं, पर्यवेक्षकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, कितनी चहलकदमी आपको सीएम हाउस के बाहर इस वक्त नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, सीएम हाउस के बाहर अभी तक हमने देखा था किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, चूंकि अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं तो सारी जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो तमाम जो नेता हैं वो इस समय सीएम हाउस की बजाय अब बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, तीनों पर्यवेक्षकों की हम बात करें, इस समय बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ में हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो इस समय बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और बीजेपी दफ्तर में पर्यवेक्षकों के साथ अब शुरुआती दौर में एक फोटो सेशन होगा। तमाम जो नए नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका फोटो सेशन के बाद भोज होगा और भोज के बाद जो है आगे की कार्रवाई, यानी कि जो विधायक दल की बैठक 3:50 शुरू होनी है वो शुरू होती हुई दिखाई देगी। देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है मध्यप्रदेश के लिए और तमाम राजनेता जो दावेदारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि किन का नाम सामने निकल के आता है, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किसको नाम पे मोहर लगती है, ये आज शाम होते होते स्पष्ट होते हुए दिखाई देगा। हालांकि देखिए रायशुमारी की जाएगी, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक जो पार्टी होती है उसके अंदर तमाम रायशुमारी के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। बीजेपी भी यही कहती है कि तमाम जो विधायक नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे पहले उनका मन पटोला जाएगा कि आखिर वो किन नेता को चाहते हैं, कौन सा सीएम फेस उनके लिए बेहतर होगा और मध्यप्रदेश के लिए वो किस नेता को चुनने की का मंशा रखते हैं। तो तमाम ये बैठक के अंदर ये बात जो है पर्यवेक्षक करते हुए नजर आएंगे। तमाम तीनों पर्यवेक्षक यानी कि मनोहर लाल खट्टा और के तमाम जो लोग हैं, तीनों पर्यवेक्षक जो हैं इस समय के लक्ष्मण सही तमाम जो लोग अंदर वो पहुंच चुके हैं। हालांकि देखिए जिस समय हम देख रहे हैं सिर्फ अंदर ही नहीं बीजेपी दफ्तर के बाहर भी गर्मजोशी यहां पे दिखाई दे रही है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पे शुरू हो चुका है। हालांकि देखिए जिस तरीके से हिदायत दी गई थी तमाम विधायकों को कि वो अपने अंगरक्षक या बॉडीगार्ड या किसी भी प्रकार के कार्यकर्ताओं को अंदर लेके नहीं जाएंगे, तो तमाम जो लोग उनके साथ आ रहे हैं उनको बाहर ही रुकने के निर्देश दे दिए गए हैं। मीडिया को भी उस क्षेत्र से दूर रखा गया है, यहां जहां बैठक हो रही है से काफी दूर मीडिया को भी रखा गया है।
हालांकि देखिए कोशिश यही की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि तमाम जो बैठक है उसको गोपनीय रखा जाए, किसी प्रकार की कुछ बात बाहर निकल के नहीं आए, लेकिन देखिए जो चेहरे हैं वो जरूर सामने निकलते हुए दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रहलाद पटेल का नाम लिया जा रहा है, नरसिंह तोमर का नाम लिया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया जा रहा है, तमाम ही देखिए ये चेहरे हैं जिनके नाम पे कहीं ना कहीं रायशुमारी दिल्ली में भी हुई है और ये कोशिश की गई है कि इनमें से किसी एक नाम को तय किया जाए। हालांकि इस समय अगर हम देखें तो बीजेपी दफ्तर के बाहर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, अपने अपने नेताओं के नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने नेताओं की दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका यही कहना है, यही उनका लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है और बीजेपी में जो फैसला है वो आलाकमान करते हैं और कि जो भी चेहरा होगा वो उन्हें स्वीकार होगा। यानी कि तमाम नेताओं की तरफ से एक सिंगल लाइन कहने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कही गई है कि कोई भी सीएम फेस का जिक्र ना करें, खुद की दावेदारी ना ठोके, और खासतौर पर विधायकों को जरूर सुबह सुबह हिदायत दे दी गई थी कि किसी प्रकार के सीएम फेस को लेकर अगर मीडिया चर्चा करती है तो आपको किसी भी प्रकार का जवाब उनको नहीं देना है। यानी तमाम जो लोग हैं उनको गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई है। बहरहाल लेकिन देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती इस समय इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि देखिए जिससे पहले अगर हम देखें 2008 का चुनाव हमने देखा, 13 का देखा, इन चुनावों के अंदर एक स्पष्ट चेहरा सामने था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस चुनाव के नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार का जो चुनाव है पिछली बार के चुनाव से काफी जुदा रहा था। 2023 में बीजेपी की तरफ से कोशिश यही की गई थी कि किसी भी चेहरे को सामने ना लाए, यानी कि सीएम फेस को सामने ना लाते हुए चुनाव लड़ा जाए, और उसको लेकर पब्लिक के बीच में मैसेज भी यही दिया गया था। हालांकि इस रणनीति में बीजेपी काफी कामयाब भी रही और सीधे तौर पर एक प्रचंड बहुमत के मध्यप्रदेश के अंदर आम जनता ने बीजेपी को दिया भी, लेकिन अभी चुनौती है कि इन बड़े चेहरे जिनको चुनाव लड़ाया गया था, यानी कि जिसका अगर हम जिक्र करें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सामने बात कर सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़वाया गया, नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव लड़ाया गया, प्रहलाद पटेल को चुनाव लड़वाया गया, कैलाश राकेश सिंह को चुनाव लड़वाया गया, तमाम ये लोग रीति पाठक को चुनाव लड़वाया गया, ये तमाम जो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सांसद थे, बड़े नाम है, बड़ा कद है, तमाम लोगों को चुनाव लड़वा दिया गया। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि सीएम एक बनेगा, उसके बाद इन तमाम नेताओं के क्या किया जाए, उन लोगों को संतुष्ट कैसे किया जाए। तो देखिए कोशिश ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पे मध्यप्रदेश में भी फार्मूला फिट कर सकते हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे दो रह सकता है और साथ में जो जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष है उसका भी एक किसी बड़े नेता का वहां पे उनको बनाया जा सकता है। ऐसे कुल मिला के चार नेताओं को संतुष्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। बाकी जो लोग हैं जो सांसद थे उनमें से बड़े विभाग उनको दिए जा सकते हैं, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ तमाम जो बड़े नेता जिनको चुनाव लड़ाया गया था उनको भी संतुष्ट करने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश फार्मूला मध्यप्रदेश में भी फिट कर सकती है। जी बिल्कुल सही कहा अतुल आपने कि हर समीकरण को साधती हुई यहां पर बीजेपी नजर आएगी और तस्वीर शाम 4 बजे जब बैठक की शुरुआत होगी उसके बाद जब बैठक खत्म होगी तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। अतुल इस बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक भी हो रही है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है और कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल? देखिए कोर ग्रुप में बीजेपी के बड़े वो नेता जो मध्यप्रदेश के अंदर बीजेपी की रीति नीति तय करते हैं जो कोर ग्रुप के अंदर शामिल है, जिसमें बीडी शर्मा हम बात करें, बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, तमाम ये बड़े जो लोग हैं ये कोर ग्रुप के अंदर शामिल है। इन लोग की पहले बैठक इसलिए भी की जा रही है कि जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें उसको आहूत किस प्रकार से किया जाए, यानी कि तमाम जो विधायक है उनको सर्वसम्मति के साथ एक साथ एक मंच सामने बैठा के चर्चा की जाए या 1-to-1 चर्चा की जाए, कोर ग्रुप की बैठक के अंदर ये तय किया जाएगा। हालांकि देखिए उसके साथ साथ फोटो सेशन भी होना है, लेकिन कोर ग्रुप की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण कह रहे हैं क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक के अंदर आज दिन भर की जो रणनीति है वो तय कर दी जाएगी, क्योंकि देखिए उसके अंदर एक माना यह भी जा रहा है कि पर्यवेक्षक जो तीनों पर्यवेक्षक आए हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, तो पर्यवेक्षक दिल्ली से क्या संदेश लेके आए, किस तरीके की आज का दिन बीजेपी की रणनीति का रहेंगे उसको लेके दशा दिशा ये पर्यवेक्षक की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से कयास लगा रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले यानी कि परिणाम आने के बाद जिस किसे दिल्ली में जेपी नड्डा के यहाँ जो बैठक हुई थी, जेपी नड्डा के बैठक के तमाम जो बड़े दिग्गज शामिल हुए थे, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, तमाम जो नेता है वो जब शामिल हुए थे तो कयास ये लगाया जाता था कि सीएम फेस का जो चेहरा है उस बैठक के अंदर तय कर लिया गया है, लेकिन देखिए उसको उजागर नहीं किया गया। लेकिन आज वो दिन आ चुका है कि जब सीएम फेस का चेहरा उजागर किया जाएगा, मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री आज मिल सकता है, वो मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर आज बीजेपी दफ्तर के अंदर ये पूरी एक रणनीति तय की जाएगी। आने वाले 5 साल का भविष्य मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा मुख्यमंत्री तय करेगा, कौन सा नाम होगा, वो आज डिसाइड होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए जिस तरीके से हम लगातार कह रहे थे कि
बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां काफी ये है क्योंकि जातिगत समीकरण को भी बीजेपी को साधना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का आलाकमान अभी से ही गंभीर हो चुका है, क्योंकि 29 की 29 सीटें मध्यप्रदेश के अंदर बीजेपी को अपने पाले में लानी है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने यही चुनौती है कि जातिगत समीकरण को भी साधना होगा। खासतौर पर अगर हम देखें कि मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग काफी महत्वपूर्ण है, ओबीसी वर्ग को लेकर बीजेपी शुरू से ही जो है काफी गंभीर रही है, और तमाम राजनेताओं के अगर हम देखें जिस तरीके से सियासी समीकरण बीजेपी सेट करती तो उसमें बीजेपी ओबीसी वर्ग को अलग ही तजुर्बा देती है। हालांकि देखिए ओबीसी वर्ग के साथ साथ आदिवासी वर्ग को भी बीजेपी को साधना होगा, इसके साथ स्वर्ण समाज को बीजेपी को साथ में लेना होगा। इसके साथ हम देखें तो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं जिस तरीके से बीजेपी के जो साथ में आके खड़े हुए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी ने तमाम जो नेताओं से यही कहा था कि तमाम जो वर्ग है, तमाम जो समाज है, उनको साथ में रखा जाएगा, उनका नेतृत्व किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से हर समीकरण को साधा जाएगा बीजेपी की ओर से, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो, या फिर अपने ही नेताओं के बीच किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए, वो भी एक पहली प्राथमिकता होगी बीजेपी की। देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। अतुल बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को वो भी सुना देते हैं कि विधायकों से जब पूछा गया सेम फेस को लेकर तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं एक बार। भारतीय जनता एक ही चेहरा, भारतीय जनता पार्टी, प्लीज 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 प्लीज, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अभी बैठक हो रही है, सबके सामने आ जाएगा, जो भी तय होगा वो सबको शिरोधार्य होगा। सबके लिए हर्ष का विषय है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तय करती है। अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। तो बिल्कुल अतुल, जिस तरीके से यहां पर हमने देखा कि जो तमाम विधायक थे वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी सीधे जवाब नहीं दे रहा है, और जाहिर तौर पर ये जब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो उसका पालन तमाम विधायकों की ओर से भी किया जा रहा है। अतुल, जिस तरीके से यहां पर लोकसभा चुनाव नजदीक है उसके मद्देनजर एक चेहरा यहां पर चुनना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो चेहरा जो हर सामंजस्य को बिठा कर रखे, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या फिर अपने नेताओं के बीच आपसी तालमेल बिठाना हो। अतुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरह से हर जगह पर जा रहे हैं जहां जहां पर बीजेपी को कम सीटें मिली हैं, जहां जहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात कर ले या फिर अन्य जगह पर मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अभी से ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो क्या दर्शाता है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बॉडी लैंग्वेज को समझना होगा कि जिस दिन मतगणना हुई, मतगणना के बाद मध्यप्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, उसके दूसरे दिन से ही हम देख रहे थे कि सीएम शिवराज की बॉडी लैंग्वेज में अब जिस तरीके से उनके बयान सामने निकल के आ रहे थे, मिशन 29 का जिक्र लगातार वो कर रहे हैं। मिशन 29 यही है कि मध्यप्रदेश के अंदर जो 29 लोकसभा है वो बीजेपी के पाले में जाए और बीजेपी की वहां पे ऐतिहासिक जीत की जाए। इसको लेकर देखिए बीजेपी की तरफ से कोशिश तो यही की जा रही है, जिस तरीके से बूथ लेवल पर मोदी बूथ करके अभियान शुरू किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने जितने भी दौरे इस समय कर रहे हैं, यानी कि उन सीटों पे जिन सीटों पे बीजेपी को हार मिली है, यानी कि छिंदवाड़ा की बात करें, श्योपुर की हम बात करें, राधोगढ़ की हम बात करें, भोपाल उत्तर की बात करें, देखिए ये तमाम विधानसभाएं हैं जहां पे बीजेपी को हार मिली, लेकिन इन तमाम सीटों पे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, वहां पे लाडली बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, और ये एक विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही ये सीट मध्यप्रदेश के अंदर बीजेपी के पाले में नहीं आई हो, वो विधानसभा भले ही वो जीत नहीं पाई हो, लेकिन मध्यप्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, और तमाम ये जो कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ काम करता होगा, क्योंकि देखिए अगर हम देखें मिशन 24 जिस तरीके से जिक्र लगातार सीएम कर रहे हैं, मिशन 24 के अंतर्गत बीजेपी को एक एक विधानसभा, एक एक पोलिंग बूथ पे अपना फोकस रखना होगा। देखिए हमने ये देखा भी था जिस तरीके से बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव के दौरान पन्ना प्रभारी के साथ साथ पोलिंग बूथ और डिजिटल पोलिंग बूथ जिस तरीके से किया था, एक बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से उस समय उठाया गया था, कार्यकर्ताओं को संवाद स्थापित करवाया गया था, कार्यकर्ताओं के मन में ये विश्वास जताया गया था कि भले ही वोटर जो है इस बार साइलेंट हो, लेकिन मध्यप्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, ऐसा ही विश्वास एक बार फिर से लोकसभा के दौरान वोटर्स के बीच में साथ साथ आम मतदाताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जगाना होगा, और उन कार्यकर्ताओं में खासतौर पर जिन जो सीटें बीजेपी के हाथ से खिसक गई है, यानी कि वो विधानसभा जहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, अभी से ही शिवराज सिंह चौहान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए खासतौर पर आज का दिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण, इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि आज का दिन मध्यप्रदेश ही नहीं बीजेपी के लिए भी आगे की दिशा तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी दिशा तय करेगा। सही कहा आपने। लौटती हूं मैं आपके पास, नीलम लगातार जुड़ी हुई हैं।
नीलामा चुकी अतुल बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, आप वहां पर मौजूद थी बीजेपी दफ्तर में, नरेंद्र सिंह तोमर भी आपके सामने आए, प्रहलाद पटेल भी आपके सामने आए, बॉडी लैंग्वेज से क्या कुछ समझ आया आपको? जी बिल्कुल, देखिए हम जब मौजूद थे अंदर बीजेपी पार्टी कार्यालय में, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे थे और जिस आत्मविश्वास के साथ वो अंदर गए थे उससे कहीं न कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्हें इस बात का विश्वास है कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी सीएम की जिम्मेदारी है या कोई और पद उन्हें दिया जाएगा इस बात की तस्वीर तो बाद में ही साफ होगी, पर जिस तरह से वो नजर आ रहे थे लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि पार्टी की तरफ से उन्हें इशारा शायद हो चुका है किसी बड़ी जिम्मेदारी का। देखिए छत्तीसगढ़ में भी जब बनाए गए हैं सीएम विष्णुदेव साय, उन्हें लेकर अमित शाह जो है एक संकेत दे चुके थे कि इन्हें जिताइए, हम इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम नेता जिनके नाम चल रहे हैं सीएम को लेकर के, इन्हें इशारों इशारों में कुछ न कुछ संकेत तो कर दिए गए हैं। वही देखिए, वही चमक, वही आत्मविश्वास। मैं चाहूंगी कि आपके आसपास अगर कार्यकर्ता है, चूंकि अतुल भी बता रहे थे कि तमाम जो समर्थक है वो अभी से ही जुटना उनका शुरू हो गया है, अगर कोई समर्थक है कार्यकर्ता है तो जरा उनसे बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, कितनी उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए बीजेपी कार्यालय में जो है तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता और प्रशंसक पहुंचे हुए हैं और हम यहाँ पर उनसे जानेंगे कि उनके नेता को लेकर के या किस नाम को लेकर के उनके अंदर जो है उत्साह है। तमाम अलग अलग नेताओं के जो प्रशंसक है कार्यकर्ता पहुंचे हुए, आप देख सकते हैं कि बीजेपी के बाहर जो ये तमाम हुजूम है ये कार्यकर्ताओं का ही हमें नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हम उन लोग सब सारे जितने कार्यकर्ता है इनसे बात करेंगे, क्या चाहते हैं आप, किसकी दावेदारी कर रहे हैं? देखिए सिंधिया जी, हमारे भाजपा के नए कार्यकर्ता हैं, युवा शक्ति हैं और मैं समझता हूं कि देखिए एक नया चेहरा होना चाहिए। हमने अगर मामा को देखा है तो मामा तो दिल में राज करते हैं, हमें एक नया रिश्तेदार चाहिए भाई, और ऐसा होना चाहिए वो भी दिल पे राज करे, वो भी जमीन पे रहकर काम करे, तो ही हम चुनेंगे। और हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा रिश्तेदार बने, हमारे को आत्मा से जाने, ये नहीं कि ऊपरी वातावरण रखे और हमको समझे ही ना, ऐसा नहीं चाहिए। तो या फिर अगर बदल रहे हो तो फिर दूसरा रिश्तेदार ला के दो भाई हमें, है ना, मामा या फिर कोई और, या वो भी रिश्तेदारी होना चाहिए, मामा ही रहेगा। देखिए मामा को लेकर के दावेदारी है, आपका क्या कहना है? युवा चाह रहे हैं कि या तो सीएम हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नया चेहरा और कोई नया रिश्तेदार बने, आपका क्या कहना है? संगठन ने जो निर्णय किया है, संगठन ने जो टिकटें दी है, वो वास्तव में उन्होंने बड़े छठ बाद में पता चला जब मतदाता की मन की बात चाहते हैं, पहुंचना शुरू हो गया है और हम कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की। हालांकि देखिए बोल कोई नहीं रहा है, जिस तरह से पार्टी ने निर्देशित किया है तमाम विधायकों को कि सीएम फेस को लेकर के किसी को कुछ कहना नहीं है, तो उस गाइडलाइन का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है कि जो सस्पेंस है वो बना रहे। हालांकि कार्यकर्ता जो है अपनी अपनी दावेदारी लेकर के पहुंचे हैं, कुछ और भी यहाँ पे मौजूद है, किसकी दावेदारी कर रहे हैं आप? देखो मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ कि माटी से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए और कार्यकर्ताओं के दिल पे राज करने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपका क्या कहना है, क्योंकि इस बार जो है चुनाव महिलाओं के नाम पे लड़ा गया था, बड़ी संख्या में लाडली बहनों ने वोट भी किया। जी मोदी जी ने गारंटी भी ली और कहीं ना कहीं ये बहुत सक्सेस भी हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति को बार बार मौका देने से प्रदेश की जनता को थोड़ा सा वही चेहरा, तो थोड़ा सा ये है कि चूंकि शिवराज सिंह जी को अच्छा एक्सपीरियंस है तो उन्हें केंद्र में भेजना चाहिए और यहाँ पर नया एक चेहरा उतारना चाहिए, चूंकि हमेशा इंदौर भोपाल और विदिशा इसी साइड से हमेशा सीएम रहे हैं, तो ग्वालियर को भी सीएम देना चाहिए एक बार। और मेरे को ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसके लिए बहुत अच्छा फेस रहेंगे, और चूंकि आगे आने वाले समय में 2024 चुनाव है तो हमारी युवा और महिलाएं जो कि एक स्वच्छ बेदाग जो छवि है और विकास और प्रगति की जो धारा है वो बहनी चाहिए और किसी एक व्यक्ति को मौका भी देना चाहिए। जी 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 को करीब 10-20 साल भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाना चाहिए, फिर उसके बाद में कहीं उनको मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग क्षेत्रों से कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अपने अपने क्षेत्र के नेताओं की यहाँ पर जो है पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं।
युवाओं का कहना है कि कोई नया चेहरा होना चाहिए। कुछ जो यहाँ पे पहले से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम शिवराज को ही रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव कार्यकर्ताओं के अपने अपने दावे हैं, समर्थकों के अपने अपने दावे हैं। कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया को चाह रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो कोई ये चाह रहा है कि मामा ही एक बार फिर से रिपीट हो। हालांकि वो भविष्य की बात है, देखना होगा। आज शाम तक तस्वीर हालांकि साफ हो जाएगी कि आखिर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। अतुल और नीलम लगातार बने हुए हमारे साथ, आगे भी बने रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।